ऋषभ पंत और के राहुल, ये दोनों चर्चा का विषय काफी समय से बने हुए हैं कि ये दोनों अपनी टीम को छोड़कर किसी दूसरी टीम के साथ ट्रेड हो सकते हैं कि नहीं। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको बताते हैं इसके पीछे की काली सच्चाई क्या है। ऋषभ पंत, जिसको दिल्ली कैपिटल्स ने 2020 में ट्रेड किया था 16 करोड़ के साथ, और दिल्ली कैपिटल्स के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैट्समैन जो ऋषभ पंत है, और सबसे ज्यादा मैच भी दिल्ली के लिए ऋषभ पंत ही खेले हैं। तो ऋषभ पंत फिर से एक मरतबा चर्चा का विषय बने हुए हैं कि कौन सी टीम उसको ट्रेड करती है, ज्यादा चांस है कि सीएसओ उसको ट्रेड करेगी क्योंकि उन्हीं का ये सीजन लास्ट होने वाला है। तो ऐसे मैनेजमेंट को एक इंडियन विकेट कीपर की जरूरत है, हो सका है और ऋषभ पंत को ट्रेड कर दिए। और लखनऊ सुपर जायंट ने के राहुल को 17 करोड़ में ट्रेड किया था 2021 में। उसके बाद ये 3 साल लखनऊ सुपर जायंट के कप्तान रहे के राहुल, जो अपनी कैप्टनशिप में कुछ खास नहीं कर पाए। और हम आपको बता दें कि इस मामले में भी के राहुल चर्चे में आए हुए हैं क्योंकि राजस्थान रॉयल्स से मैच हारने के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑनर काफी गुस्से में नजर आए थे, उसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा बवाल हुआ। इसलिए के राहुल को भी आरसीबी ट्रेड कर सकती है क्योंकि के राहुल आरसीबी टीम में खेले हुए हैं 2015-16 में। तो आरसीबी अपना नया कप्तान ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है। तो क्रिकेट की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे थे इस पेज को जरूर से जरूर फॉलो कर लीजिएगा। क्रिकेट की जानकारी आप ऐसे ही पूछते रहेगी, तो आप अपनी राय कमेंट में जरूर बता सकते हैं। ये दोनों को देखकर आप क्या सोचते हैं कि ये दोनों को किस टीम में शामिल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।